सब्सक्राइब कीजिए निठर एंड क्राफ्टर योगिता चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज हम आप लोगों को इस फॉर्म शीट से, ये मोटा वाला फॉर्म है, ये किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह में लगा हुआ आता है, तो हम इसको, इसके ऊपर कोई भी राउंड शेप की चीज़ या प्लेट रख करके इसको राउंड राउंड काट लेंगे। पहले इस पे निशान लगा लेंगे, ये क्राफ्ट हमारा नवरात्रि स्पेशल है तो आप इसे फुल देखें। हम इसको चारों साइड से कटर से काट लेंगे। ये हमने काट लिया, अब हम एक छोटी प्लेट लेंगे और इसको भी इसी तरह से निशान लगा के बीचों बीच काट लेंगे। ये हमने काट लिया, अब हम इस पे अपने पसंद की कोई भी ऊन लपेटेंगे। अगर आपके पास इस तरह की ऊन नहीं है तो आप प्लेन ऊन भी ले सकते हैं। हमने इसको इस तरह से पूरे चारों ओर से कवर कर लिया है, फंदा लगा के इसको बांध देंगे। अब हम इसमें, ये जो इसके अंदर वाला कटा हुआ हिस्सा है, इसमें हम अपनी फेविकोल लगाएंगे और कोई भी अपना फोटो लगा देंगे, या फिर आप किसी को मानते हैं तो आप उसकी फोटो भी लगा सकते हैं गॉड की। आप इसमें अपना भी फोटो लगा सकते हैं, या जिसका भी आपको मन हो उसका फोटो आप लगा सकते हैं। और इसके खाली जगह में या तो आप कोई पेपर चिपका लें या फिर इस तरह से ऊन को चिपका लें फेविकॉल से। मैंने यहाँ सेकंड कलर की थोड़ी सी ऊन ले ली है, इसको लगा लिया है साइड में जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हम ये एक पॉलीथीन लेंगे, ये भी सामान पैक वाली पॉलीथीन है, हम इसको इसमें रख के इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए हमारा ये फोटो फ्रेम बन गया है। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये पीछे से निकल के चेंज हो जाएगा जब भी आप इसको फोटो चेंज करना चाहें। और ये हमने पॉलीथीन में पैक किया है तो ये ख़राब भी नहीं होगा। और ये हमारे पास कुछ फ्लावर पड़े हैं, हम इनको इससे डेकोरेट कर देते हैं। आप चाहें तो इन्हें चिपका भी सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना सुंदर फोटो फ्रेम बन करके तैयार हुआ है। अब हम इसी तरह का एक और फोटो फ्रेम बना लेंगे। हम इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे कुछ ये इसको लगा देंगे। ये अब ये देखिए हमने इसको यहाँ पे एक और फोटो फ्रेम बना के दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे आप इसे सुई से भी सिल सकते हैं, मैं इसे चिपका रही हूँ। और इस पे जो ऊपर पॉलिथीन लगी है इससे फोटो खराब भी नहीं होगा और ये फोटो फ्रेम काफी मजबूत है। आप इसे हैंग कर सकते हैं या फिर बिना चिपकाए अलमारी में भी रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे आने वाले नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। बाय बाय।